हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 28 सितंबर 2022। और चलिए कल के लिए एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी को, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। और कल एक एक्सपायरी भी है तो जबरदस्त हमें मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो कल 19 सितंबर 2022 के लिए चलिए एनालाइज करते हैं गाइस। सबसे पहले कल के एनालाइज करने के पहले आज का मैं ट्रेड आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा सेटअप कहाँ बना हुआ था। देखिए, मार्केट इस लेवल पे क्लोज दिया था। यहाँ पर मार्केट ने पिछली बार ये क्लोजर यहाँ पर दिया था, लेकिन मार्केट का स्विंग लो यहाँ पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि मार्केट का, मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट अगर मार्केट में कभी भी गैप अप या गैप डाउन होगा तो जो प्रीवियस क्लोजर होगा स्विंग लो या हाई, वही उसका रेजिस्टेंस होने वाला है। तो मार्केट में देखिए गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आया और मार्केट ऊपर जाने के बाद यही रेजिस्टेंस हिट हुआ। दोबारा मार्केट यहीं से सपोर्ट बनाया था जहां से मार्केट गया था, यहाँ पे देखिए दोबारा वही लेवल पे रेजिस्टेंस हिट होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से जो आया था, लगभग यहाँ से 600 साढ़े 600 पॉइंट आया। लेकिन ये 600 साढ़े 600 पॉइंट कैप्चर कैसे करना था गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था और लाइव यूट्यूब पे जो लोग हैं सभी को मैंने बताया था, इस लेवल पे देखिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा गाइज। यहाँ पर इस लेवल पे एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स बना करके सप्लाई और डिमांड जोन आपको बताया था, यू कैन चेक इट आउट। देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये लेवल पे आने के बाद देखिए ऊपर गया था, यही लेवल फिर से डिमांड जोन बना और ये लेवल पे देखिए जब टॉप पे गया था तो एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आप देखिए मार्केट नीचे आया, फिर से रिटेस्ट लिया और दोबारा यहीं पे एक और कैंडल बनाया जिसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग। रेजिस्टेंस में बियरिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट धड़ाम से यहाँ से ये लेवल पे भी अगर आप लेते टारगेट तो बहुत आराम से आपको 300 पॉइंट मिलता है। नीचे के लिए तो पता नहीं, बट एटलीस्ट ये लेवल था जहां पर हमें डिमांड जोन मिलता, यहाँ से 300 पॉइंट बहुत आसानी से मिलता और यूट्यूब पे और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। एक चीज और दिखाता हूँ कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पर बनाया था मॉर्निंग में, बहुत अच्छा बाइक की तरफ भी बनाया और सेल की तरफ भी बनाया। मार्केट में देखिए गाइस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ आपके लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक जबरदस्त यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया था वो कौन सा था, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था। मार्केट जब नीचे आने के बाद ये जो ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया, यहाँ पर बाई हमने बनाया था, बाई पोजिशन। ये सपोर्ट 2 पे और सपोर्ट 1 तक का हमारा टारगेट था, तो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल हमने यहाँ पर एक्वायर किया। इस तरह का सेटअप आपको ही मिलता है तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा, 200 पॉइंट बाई के तरफ। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप पे जाने के बाद एक हैमर बनता है नीचे की तरफ, शूटिंग स्टार बनता है। शूटिंग स्टार के बाद इसको मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करता है दूसरी बार, फिर से बियरिश इंगल्फिंग, यहाँ पर आप बियरिश बोल सकते हैं, हरामी पैटर्न बना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक देख सकते हैं शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता और ऑलमोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट में यही लेवल पे आप लेते तो भी 170 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट बहुत आसानी से आपको मिलता। दूसरी बात, कहाँ पर आपको ट्रेड मिला है, इवनिंग स्टार पे एक जबरदस्त ट्रेड आपको यहाँ पर मिला है गाइस। इस लेवल पे रेजिस्टेंस के बाद नीचे मार्केट से आने के बाद यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनता है और उसके बाद मार्केट में आप यहां से ज्यादा टारगेट है बट एटलीस्ट ये टारगेट आप एक्वायर कर सकते थे जो कि 200 पॉइंट था। मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया था दोबारा इस कैंडल के साथ, हैमर के साथ, तो दोबारा यहां पर आपको एक अच्छा सा ट्रेड बनता इस लेवल के लिए जो कि सपोर्ट थर्ड और एग्जैक्टली मार्केट डिटो उसी लेवल को यहाँ पर टच किया है। तो आपको जबरदस्त सेटअप आज मार्केट में था दोनों तरफ, यहाँ पर कॉल की तरफ और बाई। मार्केट में लोगों का कहना है कि ये कंसोलिडेट किया बट आज हम लोगों ने 750 से 800 पॉइंट बाई में भी और सेल में दोनों तरफ उठाया है। अभी आप देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे कि मार्केट इसी लेवल पे आने के बाद एक अच्छा सा हैमर बनाया हुआ है, यहाँ बोल सकते हैं इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो तो हम लोग ट्रेड का किस तरीके से प्लान करेंगे, ट्रेड की प्लानिंग आपको दिखाता हूँ गाइस किस तरीके का होगा। यहाँ पर कल के लिए जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अच्छा सा बना हुआ है, मैं सारा लेवल आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो लेवल है एक अच्छा सा रेजिस्टेंस होने वाला है अगर मार्केट किसी भी लेवल पे ओपन होता है, तो मार्केट किसी भी लेवल पे ओपन होगा तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा। लेटर सपोज मार्केट बीच में कहीं पर भी ओपन होता है इस जोन में, लेटर सपोज यहाँ पर ओपन होता है तो ये इसका रेजिस्टेंस होने वाला है, मार्केट नीचे आ सकता है। या फिर अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट देगा फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है और काफी टाइम से ये अपर तरफ के मोमेंटम यहाँ पर बाकी है
उम्मीद है कि कल ये मोमेंटम देखने को मिले, या फिर मार्केट अगर इन बिटवीन ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट बनाया तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है तो आपको बहुत बड़ा पॉइंट नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा और मार्केट में आपको 37,200 का लेवल हो सकता है कि वो कल आ जाए यहाँ पर आसानी से। तो बैंक निफ्टी मैंने बताया कि गैप अप या गैप डाउन इस लेवल पे होता है तब आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमारा अगला टारगेट ये, यहाँ से ब्रेकआउट नीचे हमारा टारगेट ये वाला होगा, इस बीच में अगर ट्रेड आता है तो उस ट्रेड को कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में किस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है। निफ्टी को आप अगर देखें तो बहुत अच्छा सा एक यहाँ पर प्राइस एक्शन है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के अगर रेजिस्टेंस बना हुआ है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर, और यही रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद मार्केट एक अच्छा सा यहाँ पे देखिए एवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यहाँ पर एक अच्छा एवनिंग स्टार बनता है, उसके बाद मार्केट उसी लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप मार्केट को बजाते तो लगभग 170 पॉइंट आपको डाउन साइड में मिलता। दूसरी बार आप देख सकते हैं एक चीज और, मैं सारे रिमूव करता हूँ ड्रॉइंग को, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में अगर मॉर्निंग में आपको बाई करना था, मार्केट नीचे आने के बाद एक हैमर बनाता है, हैमर को ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल पे बाई का एक सिग्नल दिया है, बाई यहाँ पर आप कर सकते थे क्योंकि अच्छा प्राइस एक्शन भी है। प्राइस एक्शन क्यों है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करते हुए ग्रीन कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इस लेवल पे बाई करते तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये टारगेट होता है 115 पॉइंट का। सेकेंड टाइम आप देखिए मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और आप यहाँ से मार्केट को अगर लेते हैं डाउन साइड में, आपको ये लेवल आसानी से यहाँ देखने को मिलता है 80-85 पॉइंट्स। चलिए ये तो हो गया कि आज के ट्रेड के लिए, कल के लिए किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे। देखिए ये जो लेवल है गाइस, ये लेवल कल मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, नेक्स्ट जो इसका लेवल है जहाँ पर अभी आया हुआ वो ये लेवल है, ऊपर का एक लेवल और दिखाता हूँ और नीचे का एक लेवल, और वही लेवल पे हमारा ट्रेड बनेगा कल का भी, वही सारे जोन्स में हमारा ट्रेड बनने वाला है कल। अगर आप इस लेवल को देखें गाइस, मार्केट अगर इन बिटवीन कहीं पर भी इसके बीच में ओपन होता है, लेट अस सपोज यहाँ ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस होगा, मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देके 5 मिनट 10 या 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो अगला टारगेट जो होगा वो 17,050 का हो सकता है, या फिर लेटेस्ट सपोज मार्केट अगर नीचे आता तो ये सपोर्ट बनाकर इस लेवल को भी जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है इस तरह से 5 या 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, हमारा टारगेट 16,680-670 डिटो यही पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो गाइस आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का ट्रेड यहाँ पर मैंने बताया, और दोनों ट्रेड का वही लेवल पे कल देखिएगा कि मार्केट उसी लेवल पे आपको डांस करता हुआ दिखेगा गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने बनाया है, लोगों तक फॉरवर्ड करिए, अगर आपको लर्निंग मिली हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।